प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा और रियासी में प्लास्टिक रिसाइकल मशीनें लगाई हैं। इन मशीनों के माध्यम से न केवल प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है, बल्कि एक बोतल को रिसाइकल करने के बदले में पेटीएम के माध्यम से एक रुपये का भुगतान भी किया जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रियासी के बस स्टैंड परिसर सहित चार अन्य जगहों पर ये मशीनें लगाई गई हैं। कटरा और रियासी के लोग इन मशीनों का जमकर इस्तेमाल करते हुए कमाई भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो पहली दफ़ा जो रियासी में ये मशीन आई है, क्योंकि श्राइन बोर्ड कटरा ने जो मुस्लिम कमेटी कटरा को 15 ये मशीनें दी थी, और डीसी मैडम ने और हमने उनको कहा था कि कम से कम 5-6 मशीनें हमें रियासी में दी जाएँ, और उन्होंने 5 मशीनें दी हैं। एक मशीन जो आप जनाना पार्क में देख रहे हैं, एक मशीन बस स्टैंड पर लगी हुई है, एक हॉस्पिटल में है, एक सूला पार्क में है और एक नई बस्ती में है। क्योंकि ये नई चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें आप प्लास्टिक की बोतल डालेंगे और प्लास्टिक की बोतल वो जो है क्रश हो जाएगी बिल्कुल, और उसके बाद जो भी नीचे इसका मटेरियल बनेगा वो आगे कंपनी वाले इसको ले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो प्लास्टिक की हमारी बॉटल है वो रियासी शहर को बहुत गंदा करती है, नालियाँ में गंद डालते हैं, नाली ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ये नमी एक चीज़ है। मैं तो पहले कहूँगा कि श्राइन बोर्ड वालों का धन्यवाद करूँगा, डीसी मैडम का धन्यवाद करूँगा। तो इससे काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट आया है, क्योंकि अब पेशेंट्स जो हैं कोई भी प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह ऐसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सारे इसमें डिस्कार्ड कर रहे हैं। पेशेंट्स को इसका लालच भी है, स्टाफ को भी है, किसी को भी है कि इसमें अगर बॉटल हम रिसाइकल के लिए डालेंगे तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करके हमें पर बॉटल का 1 रुपी आएगा, वो पेटीएम में ट्रांसफ़र होगा। और इससे हम काफ़ी मतलब पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्लास्टिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ आजकल फैल रही हैं, और ये कूड़ा अगर हम बाहर पहले देखते तो हर जगह बॉटल्स वगैरह होती थी, तो अब मैंने कल से एटलीस्ट 60-65% हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। अब सब बाहर से भी, हॉस्पिटल के बाहर से भी बॉटल्स उठा उठा के इधर डिस्कार्ड करने आ रहे हैं। जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए जसलीन कौर की रिपोर्ट।